दोस्तों आज है 8 दिसंबर और आज ही के दिन यानी हम समझ सकते हैं 2021 में 8 दिसंबर सीडीएस रावत साहब और उनके साथ सेना के अधिकारी और जवान शहादत को प्राप्त हुए थे। दोस्तों आज हम अपने चैनल की तरफ से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं और उनके वो बात को याद आज दोबारा करते हैं कि सेना नौकरी का जरिया नहीं। अक्सर देखा गया है कि लोग भारतीय सेना को एक एम्प्लॉयमेंट का जरिया मानते हैं, नौकरी हासिल करने का जरिया। मैं आपको एक चेतावनी देना चाहूँगा कि ये गलतफहमी अपने दिमाग से दूर निकाल दीजिए। भारतीय सेना एक नौकरी का जरिया नहीं है। अगर आपने भारतीय सेना में शामिल होना है तो आपको शारीरिक और मानसिक रूप से हर तरीके से आपको मजबूती दिखानी है, आपका हौसला बुलंद होना चाहिए, आपको कठिन से कठिन समस्याओं का सामना करने के लिए आप में ताकत होनी चाहिए। जहां रास्ता नहीं निकल सकता वहां रास्ता ढूंढने की काबिलियत होनी चाहिए, तभी आप सही भारतीय सेना के जवान कहलाए जाएंगे। यहाँ पर आप आओगे तो आपको मानसिक मजबूत चाहिए, शारीरिक मजबूत चाहिए। यहाँ भी आपको नौकरी करना है तो रेलवे में जाइए, बिजनेस में जाइए। यहाँ पर सिर्फ बलिदान होता है, यहाँ पर वो डेडिकेशन होता है कि देश के लिए आपको सब कुछ अपना त्यागना पड़ता है। यहाँ बिजनेस और नौकरी का जरिया नहीं है। युवाओं के लिए उन्होंने कहा था 13 दिसंबर 2018 को मैसेज दिया था और आप इनका ये संदेश पढ़िए। और आज बात करते महत्वपूर्ण बात कि अग्निपथ योजना की। पहली बार जनरल मनोज पांडे साहब ने प्रशंसा की, तारीफ की और इसके फायदे गिनाए, जैसा कि इसके विपरीत यानी एक कांग्रेस पार्टी और देश में युवाओं में अग्निपथ या अग्निवीर योजनाओं के खिलाफ काफी दुष्प्रचार चला था। आज भी कुछ राजनीतिक पार्टियां इसके खिलाफ लेकर जाके बातें बोलती हैं। उन्होंने बाहर की बातें की कि ये कितनी बेरोजगारी बढ़ेगी या लोग कितने बेरोजगार होंगे और उसके हानि क्या होगी, उसका घाटा क्या हुआ। आज हमारे जनरल साहब ने, जनरल पांडे साहब ने इसकी खूबियां बताई कि बेहतर इसके फायदे क्या है, कहां बताई, कैसे, जरा इस खबर को पढ़ते हैं। अग्निवीरों के लिए क्या फायदे हैं, इसके बारे में आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे साहब ने अग्निपथ योजना की तारीफ गिनाई। इसमें कहा, भारतीय सेना के चीफ पांडे साहब ने एक कार्यक्रम के दौरान अग्निपथ योजना की तारीफ की। उन्होंने इस योजना की मदद से सेना को बेहतरीन सैनिक मिलेंगे। उन्होंने कहा हमारे पास ऑप्शन है बेहतरीन, यानी जो सैनिक भर्ती होगा उसके ऊपर उनमें से भी एक हम 25% रखते हैं तो एक हमारे लिए एक मेरिट प्रक्रिया, उसमें हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उन्होंने इस बात पर जोर दिया। दरअसल पुणे में एक कार्यक्रम के दौरान सेना प्रमुख जनरल पांडे साहब ने अपने संबोधन में कहा कि अग्निपथ योजना का लागू करने से सैन्य भर्ती की दिशा में अहम कदम है। इससे तकनीकी तौर पर सक्षम सैनिकों की सेना में भर्ती हो सकेगी। तकनीकी तौर पर उन्होंने कहा है कि जो बहुत सारे युवाओं की भर्ती हो सकेगी। साथ ही इस योजना में सबसे बेहतरीन सैनिकों को सेवा में रखने के लिए और बेहद कारगर है। उन्होंने कहा है हमारे पास ऑप्शन है कि सैनिकों को जो बेस्ट मेरिट से हिसाब से सैनिक है उनको 25% रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि अग्निवीरों को यूनिट या सब यूनिट में रखने का फैसला मेरिट के आधार पर किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि ये योजना बीते जून से शुरू हुई थी, आप समझ सकते हो एक साल से ज्यादा हो गया। और उन्होंने कहा है कि इसमें सबसे ज्यादा है कि सेना के एवरेज उम्र में 5 साल का फायदा हुआ है, यानी आप समझ सकते हो यदि 35 साल एवरेज उम्र थी तो वो 30 साल हो गई, यानी हमें काफी यंग सोल्जर मिलेंगे जो कि हाईटी या किसी भी क्षेत्र में इस इलाके में जा सकते हैं जहां पर हमें बहुत सारे मेडिकल इश्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़ता है, इसके लिए दिया। और कहा यदि, और सबसे बड़ी बात कही, यदि सैनिक रिटायर्ड होता है तो उसे 12 लाख रुपए मिलेंगे, इससे वो अपना स्टार्टअप यानी अपना कोई रोजगार कर सकता है, भविष्य में कोई बिजनेस कर सकता है और उसको नौकरी के लिए भी तमाम मौके मिलेंगे। और सबसे शानदार बात की, और उन्होंने कहा कि एक सैनिक जब सेना से रिटायरमेंट होता है यानी अग्निवीर रिटायरमेंट बनके जाता है, यानी वो 25% में नहीं 75% जो बाहर जाए उनमें जाता है, तो सबसे पहले उसके पास एक भारतीय सेना की खूबसूरत सिखलाई होगी, खूबसूरत उसके पास अनुशासन होगा। यदि वो उस तरीके अनुशासन के साथ रहता है तो अपने आप को व्यवस्थित कर सकता है, अपने परिवार को व्यवस्थित कर सकता है, अपने समाज को व्यवस्थित कर सकता है, सुधार कर सकता है। और इसी तरीके के बहुत सारे नौजवान जो कि उनकी अब युवा अवस्था होगी वो जाके इस समाज में बदलाव ला सकते हैं, बहुत सारी दूषितता इस समाज में फैली है उसमें भी वो अपना अहम योगदान दे सकते हैं। और उन्होंने बताया कि ये बेहतरीन कदम है, यानी इस प्रकार अग्निवीर योजना के फायदे
पूरी तरीके से बनाए और सेना को उन्होंने कहा इस तकनीकी रूप से सक्षम करेगी, एवरेज उम्र भी इसकी होगी, यानी हमारे सैनिक मजबूत होंगे और जो सैनिक रिटायर्ड होते हैं 75% जाते हैं उनके लिए भी भरपूर मौका है, उनको 12 लाख रुपए मिलेंगे, अपना भविष्य को सुनिश्चित कर सकते हैं, दोबारा रिजर्वेशन है उसमें जाके जॉब कर सकते हैं, इस समाज में रहते तो समाज को एक नई ऊर्जा और नई दिशा दे सकते हैं क्योंकि उनके पास सेना की एक बेहतरीन ट्रेनिंग है और उनके पास एक बेहतरीन अनुशासन है जो समाज की दिशा और दशा को तय करेगा। धन्यवाद।